न्यूज 18 की नजर बनी हुई है। चुनावी कवरेज आप लोग लगातार देख रहे हैं और बड़ी खबर पर हमारी नजर है। एक बड़ी खबर छपरा से आ रही है जहां पर मतदान केंद्र पर दो पक्ष में मारपीट की खबर सामने आ रही है, पथराव जैसी भी खबरें सामने आई है। तो आपको बता दें मतदान संख्या 82 और 83 जहां पर पथराव की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर छपरा से, मतदान केंद्र पर मारपीट और पथराव, दो पक्ष के बीच मारपीट हुई है। मौके से दो लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो रिवीलगंज के सेंगर टोला की ये घटना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संतोष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए मतदान केंद्र पर मारपीट की खबर सामने आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, दोनों अलग अलग पार्टियों के समर्थक थे और मतदान केंद्र से थोड़े दूर पर जो 100 मीटर का दायरा है उसके बाहर में वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे थे अपने अपने पक्ष में, इसी को लेकर क्लैश हुआ है और दोनों तरफ से पथराव हुआ है। इस बीच में पुलिसकर्मी जब पहुंचे तो पुलिस पर भी हमला किया गया है, जिसमें पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ है जिसकी हमें सूचना मिली है। हालांकि पुलिस तुरंत वहां पहुंची है और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है, जो भी उपद्रवी है उन्हें खदेड़ दिया गया है। वरीय अधिकारी डीएसपी वीडियो मौके पर पहुंचे हुए हैं, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन जो झंझट हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि दो बड़ी पार्टियों के जो समर्थक थे वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, बुझा रहे थे, इसी को लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हुई जिसके कारण पथराव भी वहाँ पे हुआ है। जी बिल्कुल संतोष, लेकिन क्या इस घटना के बाद क्या वहाँ पर वोटिंग में किसी प्रकार का असर देखने को मिला है? जैसे मैंने बताया कि मतदान केंद्र थोड़ी दूर पर ये झंझट हुआ था, मैंने 100 मीटर की दूरी पर, जैसा कि आधिकारिक बयान दिया है वीडियो का कि मतदान केंद्र को किसी तरह का डिस्टर्ब है, मतदान केंद्र के बाहर हुआ। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और दो जो हंगामा कर रहे थे, जो उपद्रव किए थे, पथराव किए, उसमें दो लोगों को गिरफ्तार कर फिलहाल थाने लाया गया है और मौके पर डीएसपी समेत तमाम अधिकारी जो है मौजूद है, वहाँ के स्थानीय जो पुलिसकर्मी है, और स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में बताई जा रही है। चुनाव जो है शांतिपूर्ण स्मूथ तरीके से चल रहा है। जी ठीक है संतोष, आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको लगातार चुनावी कवरेज आप देख रहे हैं और चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, इस बीच हजारीबाग से भी एक खबर सामने आ रही है जहां पर बूथ पर कुछ लोग, आपको बता दें कि वोट करने के लिए वहां पर लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो हजारीबाग की खबर जहां पर बूथ संख्या, आपको बताते चले जो खबर सामने आ रही है, यहाँ पर बूथ पर लोग नहीं पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। तो ये बड़ी खबर, बूथ नंबर 183 और 184 में अब तक वोटर नहीं पहुंचे हैं, फ्लाईओवर नहीं बनने को लेकर के लोगों में नाराजगी है। प्रशासन ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है, लोगों से वोट डालने की अपील भी की जा रही है। तो ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे वोट डालने की अपील करता है, वोट डालिए आप जरूर, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप वोट डाल सकते हैं जो भी उम्मीदवार। तो देखिए, हजारीबाग की बड़ी खबर हमारी सहयोग की जानकारी दे रही थी कि कैसे जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर कि आवाजाही को लेकर जो सुगमता की बात की जाती है, जिन सड़कों की बात की जाती है, फ्लाईओवर की बात की जाती है, व्यवस्थाओं की बात की जाती है, वो व्यवस्था नजर नहीं आ रही और लोग इस वजह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन है उसकी तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी समस्या वाजिब है और इस समस्या का निदान आखिर कैसे निकलेगा, उसके लिए अब आपको जानना जरूरी हो जाता है कि भाई आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो जरूर करें। और देखिए, अब इस वक्त इस बड़े से स्क्रीन पर आपके सामने 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। झारखंड में 26.18% लोगों ने वोट कर लिया है। एक बेहतर तस्वीर आंकड़ों के जरिए आप देख पा रहे होंगे जहां पर झारखंड से जो ट्राइबल वोटर्स है उनका उत्साह आप दिख रहा होगा कि कैसे वो दूर दराज के इलाके जहां पर सुविधाओं की बात करें तो शायद सुविधाएं कुछ कम जरूर होंगी, लेकिन उत्साह कहीं से भी कम नजर नहीं आता है वोटर्स का। और इसीलिए झारखंड में ये बेहतर आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। अब एक एक करके जरा लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं। चतरा लोकसभा सीट की बात करें तो 26% लोगों ने, 26% मतदान यहां पर लोगों ने अभी तक वोट करके ये तय कर लिया कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। लेकिन क्या आपने वोट किया है ये सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। एक एक वोट की कीमत होती है और इसीलिए झारखंड में 3 लोकसभा सीटों की हम बात करते हैं तो उसमें से चतरा के बाद अब कोडरमा में क्या स्थिति है। 26.95% लोगों ने वोट डाला है,